हेलो दोस्तों, अगर आपने कभी इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल किया है तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इंडक्शन चूल्हा कभी गर्म क्यों नहीं होता है, लेकिन इंडक्शन चूल्हे पर जो बर्तन रखा होता है उसमें रखी चीज़ गर्म हो जाती है। लेकिन वही अगर हम बात करें LPG से चलने वाले चूल्हे की, तो उसमें सबसे पहले चूल्हा गर्म होता है और उसके बाद बर्तन और फिर उस बर्तन में रखा सामान, साथ ही बिजली से चलने वाला हीटर भी गर्म हो जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते बिजली से चलने वाला इंडक्शन चूल्हा गर्म नहीं होता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इंडक्शन चूल्हे में एक कॉपर कॉइल होती है और जब इस कॉइल में करंट बहता है तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और यह मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसी मेटलिक पदार्थ को ही प्रभावित करती है, किसी और चीज़ के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा इंडक्शन चूल्हे में कॉपर कॉइल की जो कॉइल होती है उसके ऊपर सिरेमिक पत्थर रखा होता है। अब क्योंकि पत्थर पर मैग्नेटिक पावर का कोई असर नहीं होता इसलिए वो गर्म भी नहीं होता है, लेकिन जब उस पत्थर के ऊपर कोई बर्तन रखा जाता है तो उस बर्तन में मैग्नेटिक तरंगे दौड़ने लगती है। इस कारण बर्तन के अंदर जो चीज़ रखी होती है वह गर्म होने लगती है। इसके अलावा आप यह बात भी जानते होंगे कि इंडक्शन चूल्हे पर हर प्रकार के बर्तन काम नहीं करते हैं, इस पर सिर्फ वही बर्तन काम करते हैं जो आयरन या फिर आयरन बेस्ड हों। साथ ही कुछ स्टेनलेस बर्तन भी काम कर जाते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत आयरन पाया जाता है, और कुछ नॉन स्टिक बर्तन भी इस पर काम कर जाते हैं। जब इंडक्शन चूल्हे को स्टार्ट किया जाता है तो करंट उस कॉइल में बहने लगता है जिससे कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और इनमें किसी भी तरह की उष्मा या फिर गर्मी नहीं होती है और न ही ये खुद गर्म होती है। इसी वजह से कॉइल के ऊपर जो सिरेमिक पत्थर या टाइल रखी होती है वह भी गर्म नहीं होती है। इसके बाद जब इंडक्शन चूल्हे पर बर्तन रखे जाते हैं तो उस बर्तन में लोहे के कण पाए जाते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह कण हीट पैदा करने लगते हैं। इसी हीट या गर्मी की वजह से बर्तन के अंदर रखा हुआ पदार्थ गर्म होने लगता है। एक मजेदार बात यह है कि जब आप इंडक्शन को चालू करके उसके ऊपर हाथ भी रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई हीट या गर्मी महसूस नहीं होगी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन चूल्हा कभी गर्म क्यों नहीं होता है।